हुकूमत की जानिब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैबिनेट में पास किया जा चुका है और कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल की मुखालिफत में आज हैदराबाद में बहुत सारी तंजीमों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया। उसमें यह मुतालबा किया गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की हम पूरी तरीके से मुखालिफत करते हैं। ये बिल हमारे मुल्क हिंदुस्तान को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने वाला है, ये इंसानियत के खिलाफ है और ये दस्तूर के खिलाफ है। इसका असर ना सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि हर गरीब मजदूर बेघर हर ऐसे शख्स के ऊपर पड़ेगा जिसके पास अपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। हुकूमत की कोशिश है कि पहले CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए जिसमें मुसलमानों के अलावा तमाम दूसरे शहरियों यानी कि हिंदू सिख ईसाई पारसी जैन बुद्धिस्ट सारे 6 के 6 मजाहब के लोग जो अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश से आएंगे तो उनको इस मुल्क की शहरियत दी जाएगी। यानी कहने का साफ मतलब ये है कि सबको शहरियत दी जाएगी सिवाय मुसलमानों की। हमारे सामने खुली मिसाल है रोहिंग्या मुसलमानों की जो पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त कर रहे हैं और कई ममालिक में हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इंसानियत की तो बात ह्यूमैनिटी की तो बात ये है कि जिस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ जो सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूट हुए उनको हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें और हेल्प करें। लेकिन रिलीजन की बुनियाद पे एक बिल बनाना और रिलीजन के बेसिस पर उसको पूरी तरीके से कानूनी शक्ल देना और इस बिल को जल्दबाजी में और अपनी अक्सरियत रहने की वजह से लोकसभा में पास करना ये सरासर मेजॉरिटेरियनिज्म है, अक्सरियत की एक तरह से ज़बरदस्ती है जो अखलियत के साथ की जा रही है। इस बिल से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इस मुल्क के तमाम गरीब तबके पूरी तरीके से मुतासिर होने वाले हैं। आप सोच कर देखिए कि NRC के नाम पर अगर सबसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट और इसी तरह अपने आबा व अजदाद के डेथ सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, तो क्या ये आसान बात है कि जब कई लोग हमारे मुल्क के गरीब जो हैं और ख़ास तौर पे मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका है जो बिल्कुल गुर्बत से निचली सतह पर है, तो हर गरीब हर मजदूर हर बेघर रोड पर रहने वाले कमज़ोर इन तमाम पर इसका असर पड़ेगा। जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर यह कहा गया कि ये सिर्फ काले धन के खिलाफ है लेकिन इसका असर सब पे पड़ा, उसी तरीके से पूरे 120 करोड़ हिंदुस्तान के तमाम शहरियों पर ये बिल बहुत ज़्यादा असरअंदाज करेगा और हमारे समाज और सोसाइटी को 20-30 साल पीछे ढकेल देगा। इस वजह से तमाम तबकों के लोग ये ज़रूरत महसूस किए कि हम इसकी मुखालिफत करें और उसी के लिए आज हम यहाँ पर मुजाहरे के लिए जमा हुए हैं।